नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेरी हॉल के बारे में, जिनका जन्म 25 जनवरी 1953 को हुआ। वह एक स्वर्ण युग के दौरान 1974-84 के दौरान वयस्क फिल्मों के एक अमेरिकी अभिनेत्री थी। उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल है लेस इनके वंडरलैंड के द ओपनिंग ऑफ द मिस्टिक बिटवीन के द स्टोरी ऑफ द जोहना में और वह थ्री लुकिंग ग्लास के द वर्ल्ड ऑफ द हेनरी पेरिस के हॉल ऑफ द कई अनेक फिल्मों में निर्देशक के तौर पर वह काम कर चुकी हैं, जिनमें जोराड के डेमियानो रेडियालो मोंटेजेगर और बिल ऑस्को भी शामिल है। वह एक पूर्व बैले डांसर थी, जो साथ ही उन्होंने रॉबर्ट के मैथेरपो जैसे फोटोग्राफरी के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम किया और वह कई सारे एलेक्स श्रोस जैसे क्लोरियस श्रोस जैसे कलाकारों के भी काम कर चुकी हैं। हाल ही में कई अमेरिकी पत्रिकाओं को चित्रित किया गया, जिनमें कई सारे उपनाम शामिल हैं। वह एक मॉडल के रूप में उनका काम मैनहट्टन म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन आर्ट में प्रदर्शित भी किया जा चुका है। हॉल टेरी की जन्म 1953 में एक स्वीडिश पिता इतालवी विरासत वाली मां के घर हुआ।